सुयोग मैम, हाइड्रोसील ट्रीटमेंट बताइए। पेल्विक एंड ग्रॉइन एरिया में नेजल प्रेशर और भारीपन सा लगता है। देखिए सुयोग जी, अगर आपको हाइड्रोसील है तो उसका ट्रीटमेंट एक ही है। ट्रीटमेंट ये है कि उसका सर्जरी होता है, ऑपरेशन से उसको निकाला जाता है। मोस्टली अगर पानी भर जाता है तो उसको फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं, मोटी सुई से वो पानी खींच लेते हैं। लेकिन हाइड्रोसील आपको क्यों हुआ है ये जानना ज़रूरी है। कई बार सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से हाइड्रोसील होता है, कई बार किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी हाइड्रोसील होता है। अगर आपको इंटरनल स्क्रोटम में कई इंजरी लग गई इंजरी हुई है या कुछ मार लग गया है तो खून भी जमा हो जाता है, तो ये सब रीजंस की वजह से हाइड्रोसील होता है। तो इसको कैसे पहचाना जाए, सबसे पहले तो आपको जाकर डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना है। कई बार इंग्वाइनल हर्निया भी कभी कभी हाइड्रोसील की तरह प्रेजेंट करता है, तो डॉक्टर के पास जाकर आपको चेकअप करना है। जनरल सर्जन के पास जाकर चेकअप कराइए, वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे। सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट से जनरली पता चलेगा कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं, तो CBC, ESR, कुछ डॉक्टर्स HbA1c शुगर भी चेक करा लेते हैं। यूरिन रूटीन कराते हैं जिससे पता चल जाए कि यूरिन में कोई इश्यूज है या नहीं। अगर आपको कोई यूरिन की कंप्लेंट्स है तो यूरिन कल्चर भी कराते हैं ये जानने के लिए कि किस तरह का इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ आपका जो स्क्रोटम है उसका सोनोग्राफी किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि कुछ गांठ वगैरह या कुछ ट्यूमर या कोई कैंसर की गांठ तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होते हैं। नहीं पता चलता तो कुछ डॉक्टर्स MRI CT स्कैन भी करते हैं। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। कोई घरेलू उपचार नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी मेडिकल स्टोर वाली दवाई नहीं है जिससे आपके हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके लिए आपको जनरल सर्जन को जाकर एक बार दिखाना पड़ेगा, तभी आपके हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इधर उधर की दवाइयाँ, इधर उधर के घरेलू उपचार अगर आप करोगे तो आपके हाइड्रोसील का जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, एंड इट कैन रिजल्ट इन वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। ओके, इट कैन रिजल्ट इन टेस्टिस के डैमेज में भी रिजल्ट हो सकता है। ओके, तो डोंट टेक इट लाइटली। Thank you.